हैय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्रैक हील्स को किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। होममेड क्रीम मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्रीम का नाम बता देती हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद के लिए परचेज़ किया था। ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहा, इसलिए मैं सोची कि अगर आप होममेड रेमेडी नहीं यूज़ करना चाहते हो तो मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसके पीछे काफ़ी चीज़ मेंशन किया हुआ है, ये प्योर वेजिटेरियन है और ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये हाइड्रेट भी करता है स्किन को, और ये ऑल टाइप स्किन, आप जैसा भी स्किन हो इसको लगाने से फ़ायदा होगा। तो मुझे फ़ायदा हुआ, इस वजह से मैं आपको इसका रिव्यू कर रही हूँ। और मैंने ये 2023 में परचेज़ किया था और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा, देख सकते हो आप मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मेरा क्रैक हील्स था वो ठीक हो गया, तो अभी मैं छोड़ दी हूँ। आप मतलब एक दो बार ही लगाओगे ना तो पता चल जाएगा आपको। तो इसको लगाना किस तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, इसको लगा रात को अच्छे से पैर धो के इसको लगा के अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करना, इसको काफ़ी देर तक मलना है लगा के, उसके बाद आप सॉक्स पहन लेना। ये काफ़ी अच्छा है, आप जैसा होम रेमेडी बनाते हो ना बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्मेल डाला हुआ है, दैट्स इट। तो ये क्रीम आपको कहीं भी मिल जाएंगे मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, आप ले सकते हो। मैं बस एक आइडिया बता रही थी, होम रेमेडी मैं बताऊंगी आपको, बिल्कुल बताऊंगी। तो ये देखिए, मैं होम रेमेडी इस अब बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, एक आपको बर्तन लेना है कोई सा भी, उसमें जो मोमबत्ती होता है ना, जो हम लोग जलाते हैं मोमबत्ती, बस वही लेना है। आप कोई सा भी मोमबत्ती ले सकते हो, इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है और वैसलीन डालना है। ये सबको डालने के बाद आप बॉयल कर लेना, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, गुनगुना करना है, ताकि जो हम लोग कैंडल जो था ना वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। और इसको एक खाली कंटेनर में आपको रख लेना है, रख लेने से ना ये जम जाएगा, क्योंकि इसमें मोमबत्ती डाला हुआ है, देखिए किस तरीके से ये जम गया है। उसके बाद क्या करना है कि इसको रात को ही अप्लाई करना है, आप पैर धो लेना अच्छा से और इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना, कम से कम 5 मिनट तक आप मसाज करना। उसके बाद सॉक्स पहन लेना, सॉक्स पहनने के बाद आप ऐसे 4 से 5 दिन करोगे ना, काफ़ी अच्छा आपका हील्स हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मेरा हील्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।